वसुंधरा की गलतियां, गहलोत ने लपटी सीटें। राजस्थान की जनता का रुझान हमेशा से ही साफ रहता है, वो जिस भी पार्टी को जिताती है भारी बहुमत से जिताती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीतने वाली पार्टी 2009 में मात्र 5 सीटों तक सिमट कर रह गई। 2008 में राजस्थान दहल गया। 13 मई 2008 जयपुर में 9 बम धमाके हुए जिसमें 63 लोग मारे गए। उसके बाद मानो प्रदेश में भूचाल सा गया हो। 23 मई 2008 से गुज्जर मीना समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन राज्य ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। 35 राजस्थान की जनता का विश्वास बीजेपी से उठ चुका था, जिसके कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट और गुज्जर मीना आंदोलन। कैमरामैन अरुण के साथ मैं एहतशाम, राष्ट्र खबर, नई दिल्ली। इस निर्दय कार्यवाही से राज्य की जमकर निंदा हुई। विपक्ष के नेता सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की। चारों तरफ निंदा और चुनाव करीब आते देख वसुंधरा राजे ने गुज्जर समाज को आरक्षण देने का फैसला किया। इस आंदोलन का असर राज्य की कुर्सी पर भी पड़ा और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की सीटें भी बीजेपी बचा नहीं पाई। लोकसभा में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान के 25 में से 20 लोकसभा क्षेत्रों में धमाकेदार बढ़त और जीत के अभियान के साथ कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। इन नतीजों के साथ ही कांग्रेस ने इतिहास को पलट दिया। इन नतीजों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। बीजेपी को अब चारों तरफ से हार का मुंह देखने को मिल रहा था। बीजेपी सत्ते में आ गई, पर जनता तो अपना फैसला सुना चुकी थी। अब फरमान पर मंजूरी भरने के सिवा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं था। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें और कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की, लेकिन 2009 में जनता ने बिल्कुल अलग फैसला सुनाया। कांग्रेस ने बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में जीत दर्ज की। झुंझुनू तथा उदयपुर में दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। बीजेपी को हर तरफ से हार का मुंह दिखना पड़ रहा था और 15वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी से इतने खुश हुए कि चुनाव के नतीजों को सुशासन की जीत करार दे दिया। वहीं प्रदेश प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा राजे और बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने जनादेश को स्वीकार करते हुए हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही। ४ में राजस्थान में गदगद होने वाली बीजेपी 2009 के नतीजों से जनता का रुख समझ गई। 2014 का रण, किस करवट बैठेगा ऊंट, किसको मिलेगी कितनी सीटें, लोकसभा की 25 सीटों पर नजर, या फिर आएगा हाथ या फिर खिलेगा कमल, चलेगा मोदी का जादू।